मुख्यालय स्थित अमर शहीद स्टेडियम में क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में संविधानता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर ही 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाए जाने का आह्वान किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के मुख्य आतिथ्य में एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचार राकेश जी और नगर संचालक जगत नारायण की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत तुलसी का पौधा देकर किया गया, जहां कार्यक्रम शुभारंभ पर मुख्य अतिथियों के द्वारा मां भारती के शैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलन किया गया एवं इसके पश्चात ध्वजारोहण राष्ट्रगान का कार्यक्रम किया गया। वही मंचीय उद्बोधन में क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक कृष्णा झरिया के द्वारा कार्यक्रम के विस्तृत रूपरेखा से सभी को स्वागत कराया गया एवं जीवन 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संकल्प को किस प्रकार जिले में भी पूर्ण कराया जाएगा इस पर भी बात रखी गई। वही मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने अपने उद्बोधन में बताया गया कि योग एवं सूर्य नमस्कार को अपनाकर आप कैसे अपने आप को निरोग रख सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए योग को अपनाकर आप निरोग रख सकते हैं। वही मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संघ के विभाग प्रचारक राकेश जी ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर आप किस प्रकार योगा एवं सूर्य नमस्कार को अपनाकर कोरोना महामारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं एवं क्रीड़ा भारती की इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए लोगों से आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में सूर्य नमस्कार महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें एवं अपने आसपास के लोगों को भी सूर्य नमस्कार के प्रति प्रेरित करें और संपूर्ण भारत में एवं महाकौशल प्रांत में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कराए जाने का आह्वान करें, जहां लोग योग के प्रति एवं अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच प्रदान करें। वही उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लगभग 250 लोगों ने सूर्य नमस्कार करके इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है एवं कार्यक्रम अंत में क्रीड़ा भारती कार्यक्रम के सह संयोजक गगन जी के द्वारा अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों सहित पत्रकारगण उपस्थित रहे। पीस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज क्रीड़ा भारती के आह्वान पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाने का अभियान उमरिया जिले में भी प्रारंभ किया गया, उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। हम सभी से अपील करते हैं कि प्रतिदिन इस सूर्य नमस्कार के माध्यम से योग प्राणायाम करें, हम स्वस्थ रहें। कोरोना काल में हम सबकी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। सभी से निवेदन है कि इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण करने में अपना स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आयोजन क्रीड़ा भारती ने ऐसा लक्ष्य लिया है कि पूरे देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाना है। इसी के अवसर पर 1-7 फरवरी तक अपने महाकौशल प्रांत में चलेगा और वर्तमान परिस्थिति कोविड काल को देखते हुए पूरे जिले भर में कई स्थानों में उमरिया नगर में भी कई स्थानों में 1-7 फरवरी तक ये कार्यक्रम आज का जो है जो शुरुआत हुई है क्रीड़ा भारती के द्वारा बहुत ही सराहनीय है और पूरे जिले में जो 75 लाख सूर्य नमस्कार कराने की जो योजना बनाई है वो भी सराहनीय है। बहुत बहुत इस आयोजन को आज के कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद है। आयोजक को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी आए हुए लोग हैं उनके प्रति भी हम आभार ज्ञापित करते हैं। इसी तरह से जो अभी 7 दिन जो चलेगा कार्यक्रम उसमें भी पूरी तन्मयता के साथ अपन लोग जो है सक्रिय के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज उमरिया जिले के स्टेडियम प्रांगण में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं माता बहनें शामिल हुई थी और उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था और ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार से न सिर्फ हमारा तन बल्कि हमारे मन को भी एक शांति मिलती है, तो मुझे ये करके कार्यक्रम बहुत अच्छा। सूर्य नमस्कार का आज उद्घाटन सत्र था, इसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया
सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। इससे शरीर अपना स्वस्थ रहता है, इससे सभी तरह के योग हो जाते हैं और कोई अगर बीमारी है भी तो नहीं हो पाती है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, अपना शरीर स्वस्थ रहता है, अपना जो पाचन शक्ति है वो सही रहती है, इससे काफ़ी फायदे हैं। और ये एक सप्ताह के लिए पूरे देश में चलेगा, एक सप्ताह। हमारे उमरिया जिले में योग के उत्कृष्ट प्रशिक्षक मौजूद हैं। मतलब मैंने कई जगहों पे लोगों को देखा, लेकिन इतने अच्छे प्रशिक्षक जो इस जिले में हैं वो और कहीं नहीं। अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें तो जैसा कि अभी हमारे प्रशिक्षक गण सब सामने जो बैठे हैं वो आपसे कराएंगे भी, पर ये एक ऐसी योग क्रीड़ा है जिसमें हर चीज शामिल है। आपके बॉडी का, शरीर का हर अंग इसमें शामिल होता है, इस एक्सरसाइज में। साथ ही आपकी पूरी श्वसन क्रिया इसमें शामिल होती है, कब सांस छोड़ना है, कब अंदर लेना है, पूरा एक सिंक्रोनाइजेशन है पूरे शरीर और श्वास। जब एक हो जाता है मिलके तो उसी को ही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उमरिया जिले में सूर्य नमस्कार लगाए जाने का यह उद्घाटन कार्यक्रम इस ऐतिहासिक अमर शहीद स्टेडियम में किया गया, जिसमें जिले के बुद्धिजीवी, हमारे विभिन्न संगठनों के और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारी, खिलाड़ी एवं आम नागरिक यहां पर उपस्थित रहे और उन्होंने इस सूर्य नमस्कार के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। और जैसा कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर यह दायित्व क्रीड़ा भारती को दिया गया था और क्रीड़ा भारती ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज विभिन्न स्थानों पर महाकौशल प्रांत में 1 से 7 फरवरी तक यह कार्यक्रम आयोजित किए जाने का जो संकल्प है उसके तहत आज उमरिया के इस नगर पालिका स्टेडियम पर आज इसका उद्घाटन किया गया। जिले के विभिन्न खंडों में, विभिन्न विकास खंडों में यह सूर्य नमस्कार लगातार लगा। वह देश है हमारा, ललकार कर रहेंगे उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम रचना करेंगे। हे जन्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। भारत हमारी माँ है, हम सब उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। ऐसे उदात्त भाव को लेकर के हम लोग भारत की प्रगति के लिए हर निश काम कर रहे हैं। भारत को दिव्य भव्य बनाने में हमारी सबकी कर्तृत्व और क्षमता का प्रकटीकरण देश और दुनिया के सामने नए नए सोपान भारत आज प्राप्त कर रहा है। स्वाधीनता
स्वतंत्रता और आजादी, ऐसे तीन शब्द इस कालखंड में हम सब लोगों को सुनाई देते हैं। भारत देश स्वतंत्रता की बेड़ियों से सन 47 में आजाद हुआ। हमारे देश को फिरंगियों के आतताइयों के अत्याचार से मुक्ति मिली और हमारा देश स्वाधीन हुआ। किंतु आज भी स्वाधीनता के 75 वर्ष हम लोग मना रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता की जो बात है, स्व यानी अपना और तंत्र मतलब सिस्टम, आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में अपने भारतीय चिंतन के अनुसार, भारतीय समाज की संरचना के अनुसार अनेक ऐसे आयाम खड़े करने की आवश्यकता है। देश में अलग अलग प्रकार के प्रयास उस दिशा में चल रहे हैं। अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसे अनेक प्रकार के कानून हमारे देश में, हमारे देश की जनता को आर्थिक दृष्टि से अक्षम बनाने के लिए, डिवाइड एंड रूल के आधार पर समाज की संरचना खड़ा करने में, शिक्षा संस्कृति समाज को गरीबी जैसे अनेक प्रकार से, चाहे समाज के मानबिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह कुठाराघात, अनेक प्रकार से देश की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों को लेकर के भी उनका षड्यंत्र जब हम इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो ध्यान में आता है।